हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओपीएजू पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नमाला 7 है, वो निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति यानी हम जो ग्राफ के अंदर बनाते हैं, ठीक है, उनमें दो बिंदु दे रखे हैं ग्राफ, दो दर्शाए गए, उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, उनके द्वारा कोई चार बिंदु उधर वर्ग बना गया है, तो वर्ग का वर्ग है या नहीं ज्ञात करना, देखो आयत की आयत है या नहीं है, ऐसी कुछ बातें दी गई है। और यहाँ देखो दो बिंदु दिए गए हैं, उन बिंदु को एक दूसरा बिंदु कोई अनुपात में बांट बांट रहा है, तो वो उसके निर्देशांक ज्ञात करना है। इस प्रकार की ये सारी बातें इसमें आएगी। देखो तो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं, देखो हम पहले ग्राफ को समझ लेते हैं, पहले बाद में धीरे धीरे आगे सूत्र का प्रयोग करके वे 7.1 कंप्लीट करेंगे। देखो तो सबसे पहले ये जो इस प्रकार क्षैतिज रेखा खींची गई है, आड़ी रेखा खींची गई है, इसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष, ठीक है, और इसका दूसरा नाम है क्षैतिज अक्ष, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई है ये है वाई अक्ष, और इसको हम ऊर्ध्वाधर अक्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, बीच में होता है मूल बिंदु, यानी 0 0 दोनों ही तरफ, एक्स की तरफ भी 0, यानी ये दो मान यहाँ पर एक्स के मान लिखे जाते हैं और यहाँ वाई के लिखे जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार मैंने लिख दिया 4 और 2 लिख दिया है, तो 4 और 2 में पहले वाला एक्स का मान है और दूसरा वाला वाई का मान है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये निर्देशांक होते हैं मूल बिंदु और यहाँ 0 0 लिखते हैं। अब यहाँ पर सारे मान प्लस के लिखे जाते हैं इधर, तो ठीक है इसलिए एक्स लिखते हैं, और इधर एक्स डैश यानी सारे मान माइनस में लिखे जाते हैं, ऊपर वाई के मान प्लस में लिखे जाते हैं, नीचे वाई यानी माइनस के वाई डैश है माइनस के मान लिखे जाते हैं। जैसे देखो लिखा है मैंने यहाँ पर, जैसे +1 लिखा है, यहाँ पर मैंने +2 लिखा है, +3 लिखा है, +4, ऐसा कुछ संख्या लिखी है। इधर आएगा -1, -2, -3 और -4। ठीक है, ऊपर होता है +1, +2, +3 और +4, नीचे भी -1, -2, -3 और -4, इस प्रकार संख्या लिखी होती है। अब एक बात देख सकते हैं, एक्स का जो निर्देशांक है उसे कहते हैं भुज। ठीक है, एक्स का निर्देशांक, एक्स निर्देशांक है उसे क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। ठीक है, और वाई निर्देशांक है उसे क्या कहते हैं, वाई वाला मान दूसरा मान उसे कहते हैं कोटि। ठीक है, जिस प्रकार लिख दिया मैंने 4 और 6 लिख दिया है, तो यहाँ भुज का मान 4 है और कोटि का मान क्या है, 6 है। इस प्रकार याद रखना है, एक्स निर्देशांक है उसको कहते हैं भुज और वाई निर्देशांक कहते हैं कोटि। उसके बाद में ये बात ध्यान करनी है, अगर एक्स बराबर 0 आ रहा है, ठीक है, तो उसको मान कहाँ दर्शाएंगे हम, तो मान आएगा वाई एक्स पर, और अगर वाई बराबर 0 है तो उसको कहाँ दर्शाएंगे हम, एक्स अक्ष पर दर्शाएंगे। कैसे दर्शाते हैं, देखो मैंने जैसे लिख दिया 0 और 4 लिख दिया, अब देख सकते हैं यहाँ एक्स का मान क्या है, 0, वाई का मान 4 है ना, तो मान यहाँ कहाँ दर्शाएंगे, इसको वाई एक्स पर, वाई को कहाँ दर्शाएंगे जहाँ +4 है, यही है ना, इसको मान को यहाँ दर्शाया जाएगा, यानी यहाँ निर्देशांक होगा 0 और 4। उसके बाद में अगर जैसे मैंने लिख दिया -4 और 0, ठीक है, यहाँ किसका मान 0 है, देखो वाई का मान 0 है, तो यह मान कहां पर आएगा, एक्स अक्ष पर, एक्स पर कहां पर आएगा जहां -4 है केवल, यहाँ -4 है यहां दर्शा दिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखो ये ग्राफ 4 भागों में बंटा है, ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, ये कहलाता है सेकंड चतुर्थांश, ठीक है, ये कहलाता है थर्ड चतुर्थांश और ये कहलाता है चतुर्थ चतुर्थांश, 4 भागों में बंटा है। ठीक है, अब यहाँ प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई के मान दोनों किस में आते हैं, प्लस में आते हैं, और थर्ड में दोनों एक्स वाई के मान माइनस में आते हैं। इसमें एक्स का मान माइनस का, वाई का मान प्लस का, और इसमें प्लस और माइनस, तो एक्स का मान प्लस का और वाई बड़ा माइनस का, जैसे लिखा है 4 और 2 दर्शाइए, तो ये मान कहाँ आएगा, देखो ये प्रथम चतुर्थांश में आएगा जहाँ 4 और 2 है, देखो 4 तो यहाँ है और 2 यहाँ, ये दोनों मान कहाँ मिल रहे हैं, देखो यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ दर्शा देंगे इनको। ठीक है, जैसे लिख दिया -1 और 2 लिख दिया, -1 और एक्स का मान -1 देखो यहाँ है, वाई का मान देखो यहाँ है, दोनों मान कहाँ मिलेंगे, देखो यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ दर्शा दिया जाएगा। ठीक है, जिस
इस प्रकार लिख दिया माइनस का चार और माइनस का चार लिख दिया, तो माइनस एक्स का मान माइनस चार का यहाँ यहाँ है माइनस चार, और वाई का मान माइनस चार, इसको मान को यहाँ दर्शा देंगे, देखो ये दर्शा दिया यहाँ माइनस चार और माइनस चार, इस प्रकार दर्शा सकते हैं। जैसे लिख दिया चार और माइनस तीन हो गया, देखो एक्स में चार यहाँ है और वाई में तीन माइनस तीन यहाँ है, दोनों मान को यहाँ दर्शा दो, यानी यह हो गया चार और माइनस तीन, इस प्रकार हम दर्शा सकते हैं। अब पूछ लिया जाए कि ये देखो यहाँ दो बिंदु दर्शा दिए गए, देखो एक देखो आपने यह दर्शाया है एक और ये दर्शाया है, इनके बीच की दूरी पूछ लेते हैं, ठीक है इनके बीच की दूरी पूछ लेते हैं, और इनके बीच में देखो मैंने जैसे यहाँ लिख दिया कोई बिंदु है, ठीक है वो इनको कोई चार अनुपात पाँच में बांट रहा है, तो इनके निर्देशांक क्या होंगे, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। देखो तो शुरू कर रहे हैं, देखो पहले सूत्र सूत्र देखेंगे, सूत्र देखने के बाद में कुछ महत्वपूर्ण बातें होगी वो पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे प्रश्नमाला को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या है इसके अंदर सूत्र है, सूत्र एक नंबर सूत्र है इसमें दो बिंदु के बीच की दूरी, तो दो बिंदु जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मान लिया पहला नंबर जैसे मैंने लिख दिया P बिंदु लिख दिया x और x1 y1 q, बिंदु दो है देखो P और q, ठीक है दोनों में अलग अलग होगा, देखो यहां लिखेंगे x1 y1, ठीक है यहां होगा x2 और y2, जैसे दो बिंदु है P और Q, इनके बीच की दूरी पूछ लिया जाए के बीच की दूरी, सूत्र होता है इसका रूट दूरी PQ की निकालनी, तो यहां PQ बराबर लिख देंगे x2 माइनस x1 की घात दो, ये सूत्र हमें याद रखना है PQ x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे लिख दिया P के निर्देशांक x और y है, ठीक है जो x1 y1 व b x2 y2 को m अनुपात n में बांटता है, अनुपात है ठीक है, तो x निर्देशांक क्या होगा और y निर्देशांक क्या होगा, देखो x निर्देशांक कैसे याद करेंगे, देखो x निर्देशांक याद x का मान हो जाएगा, पहले लिखेंगे m1 या ये m लिख दो, ये दो m x2 प्लस n x1 बट्टे m प्लस n, ठीक है। और y निर्देशांक कैसे याद करेंगे, देखो y निर्देशांक हो जाएंगे, y निर्देशांक में m y2 प्लस n y2 बट्टे m प्लस n, ठीक है इस प्रकार मान ले सकते हैं। तो यदि कोई p है जो a और b को m अनुपात n बांटता है, तो x का निर्देशांक बराबर हो जाएगा, यहाँ देखो अनुपात आपके m1 m2 भी ले सकते हो आप, m1 m2 और यहाँ mn भी ले सकते हो, ठीक है यहाँ हो जाएगा m x2 प्लस n x1 बट्टे m प्लस n, और यहाँ y का निकालना तो y एम वाई टू प्लस एन वाई वन बट्टे एम प्लस एन, इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब दो तीन बातें इसके अलावा और पढ़ती हैं, देखो आपको अगर देखो ये दो बिंदु दे रखे हैं P और Q, ठीक है और इनके बीच में अगर बिंदु R दिया गया है, बीच में बिंदु मध्य बिंदु दिया गया है, उसमें अनुपात क्या लेंगे, देखो एक अनुपात एक लिए जाएंगे, ध्यान करना देखो एक अनुपात एक लिए जाएंगे, इस प्रकार देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखो एक अनुपात एक लेते हैं ना, यानी m का मान भी आपके सामने एक है और n का मान भी क्या है एक है, तो यहाँ देखो x का मान क्या हो जाएगा, देखो देख सकते हैं x का मान होगा इन दोनों का मान एक एक होगा, यानी बचेगा x1 प्लस x2 बट्टे क्या हो जाएगा, देखो दो हो जाएगा, ठीक है। और y का मान यहाँ हो जाएगा देखो y1 प्लस y2 बट्टे दो, ऐसे हो जाएगा, इस प्रकार कर सकते हैं। देखो तो ये आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है, और उसके बाद में आगे हम और भी बातें साथ में पढ़ते जाएंगे, और अब एक आपको एक जिस प्रकार
आई देर का है, वर्ग देर का है, तो क्या क्या होता है देखो ध्यान करना। अगर चारों भुजाएं बराबर हो, चार बातें लिख रहे हैं, चारों भुजाएं बराबर और विकिरण बराबर, विकिरण बराबर है, चारों भुजाएं बराबर विकिरण बराबर है, तो वो क्या है, वर्ग है। चारों भुजाएं बराबर हुए, विकिरण बराबर नहीं हो, विकिरण बराबर नहीं आता है, विकिरण बराबर नहीं, तब एक वो क्या होता है, वो होता है सम चतुर्भुज। ठीक है, उसके बाद में आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकिरण भी बराबर हो, विकिरण बराबर, तो ध्यान करना वो क्या होता है, आयत होता है। ठीक है, चार नंबर में आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकिरण बराबर नहीं हो, विकिरण क्या होना चाहिए, बराबर नहीं हो, विकिरण बराबर नहीं, विकिरण बराबर नहीं होते हैं, तो क्या होता है, वो होता है समांतर चतुर्भुज। ये दो चार बातें आपको भी साथ में ऐड करनी है। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर विकिरण बराबर तो वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर विकिरण बराबर नहीं है तो सम चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं बराबर विकिरण बराबर है तो वो एक आयत है, आमने सामने भुजाएं बराबर विकिर्ण बराबर नहीं है वो क्या है, सम चतुर्भुज है। चित्र में देखो, देख लिया मैंने, ऐसे चित्र बना लिया। देखो इस चित्र में अगर देख लेते हैं कि चारों भुजाएं बराबर आ जाएं, चारों भुजाएं बराबर और इनके विकिर्ण दोनों ही आ जाएं, बराबर आ जाएं, तब तो होगा वर्ग। चारों भुजाएं बराबर है लेकिन इनके विकिर्ण विकिर्ण ये देखो ये होता है विकिर्ण दोनों, ये बराबर नहीं आए, ठीक है, तब वो क्या होता है, तब एक सम चतुर्भुज होता है। अब आमने सामने भुजा बराबर, यानी ये दोनों भुजाएं जिस प्रकार आ गई, भाई चार और चार आ गई है, ठीक है, ये भुजाएं पांच और पांच आ गई, आमने सामने भुजाएं बराबर आ गई, अब विकर्ण बराबर आ गए दोनों, तब तो क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा, और आमने सामने की भुजाएं बराबर है विकर्ण बराबर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज होगा। अब देखो त्रिभुज का ध्यान रखना है, अगर तीनों भुजाएं बराबर आ जाए, ठीक है, और इसमें ध्यान रखना ये बातें कोई नहीं आ रही चारों में, ठीक है ना, चारों बातें भी नहीं होगी तो वो किसी प्रकार का चतुर्भुज नहीं होगा, त्रिभुज हो सकता है उसका प्रकार नहीं हो सकता है। उसके बाद त्रिभुज देखो बना सकते हैं, देखो त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर तो ज्ञान है, त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु सम यानी समान बहु यानी भुजा, जबकि चारों भुजाएं तीनों भुजाएं बराबर हो होता है समबाहु त्रिभुज। उसके बाद में दो भुजाएं समान हो, त्रिभुज में क्या हो, दो भुजाएं समान हो तो वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं समान हो तो उसे कहते हैं समद्विबाहु। अब देख सकते हैं देखो इस नाम में क्या लिखा है, परिभाषा लिखी हुई है, देखो सम यानी समान, द्वि यानी दो, बहु यानी भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं समान नहीं है, देखो तीनों भुजाएं समान हो तो विषमबाहु त्रिभुज होता है, तीनों विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये देखो इस प्रकार बातें याद कर सकते हैं, देखो त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो समबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं अगर समान मिल जाएं वो क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। इस प्रकार की बातें आपके प्रश्न वाले में आएगी और ये बातें हम पढ़ेंगे। देखो
इसमें सवाल नंबर है एक कर रहे हैं देखो, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करो। 7.1 के पहले पॉइंट का पहला 2, 3, 4, 1, ये देखो 2, 3 बिंदु P लिख लो, यहाँ बिंदु Q लिखा है, Q का आप 4, 1 लिख लो, इनके बीच की दूरियां पूछ गई है, यानी बिंदु क्या है P और Q, तो P Q यानी P और Q के बीच की दूरी, सूत्र आ जाएगा x2 - x1 की घात 2 + y2 - y1 की घात 2। यहाँ देखो x2 का मान देख सकते हैं, यानी करना ये x1 और ये y1, x2 और y2 यानी 4 - 2 + 1 - 3 और घात 2। यहाँ पर मान क्या होगा, देखो 2 घटाएंगे 2 आएगा, और 2 का 2 मान 2 की वर्ग हो जाएगा 4, और यहाँ पर भी क्या होगा 1 में से घटाएंगे 3 -2 और -2 का वर्ग क्या आ जाएगा 4, यहाँ मान होगा 8, इसका बिंदु 4 × 2, 4 का मान वैसे 4 वर्गमूल 2 होता है, देखो इसका होता नहीं, तो इसका मान आ जाएगा 2√2। ये हो गया, देखो ये हो गया पहला। दूसरा लिखा है -5, 7, दूसरा लिखा है -5 और 7। अब की बार नाम इसके ए लिख दो और आगे वाले के बी नाम लिख दो, ठीक है। बी का लिखा है -1 और 3, वही दूरी निकालनी है बीच की, तो यहाँ क्या लिख देंगे, देखो वही लिखेंगे आगे ए बी बराबर, सूत्र लगाओगे √x2 - x1 की घात 2 + y2 - y1 की घात 2। ए बी बराबर में यहाँ क्या आएगा, देखो x2 का मान -1 है और x1 का मान -5 है, तो -5 को एक बार कोष्ठक में लिखवा, ठीक है, और y2 का मान आपके सामने आ रहा है 3 और y1 का मान आ रहा है 7 की घात 2। यार देखो यहाँ बात समझने की आपको, ए बी बराबर में यहाँ क्या होगा, देखो देख सकते हो x2 का मान यहाँ -1 लिख दिया, आगे सूत्र का देखो -3, x1 का मान -5 आ गया, यानी दो लगातार -3 आ गए, इसलिए मैं 5 को मैंने कोष्ठक में ले लिया। अब आगे हल करेंगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और ये प्लस का हो जाएगा 5, इसकी घात 2 लगा दो और यहाँ -4 की घात हो जाएगी 2। अब आगे आराम से हल कर लेते हैं, देखो ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16 आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा 16, यहाँ पर मान क्या होगा इसका 32 लिख दो, और 32 को मैं क्या लिखूंगा 16 × 2 लिख दूंगा। अब देखो 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, तो मान आ जाएगा 4√2। इस प्रकार इसको कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, सूत्र को आप विशेष ध्यान रखोगे, प्रश्न बीच की दूरी का कहीं सूत्र आ गया ना तो सूत्र लगाओ, सूत्र 2-3 बार लगाएंगे, 5 बार लगाएंगे, 10 बार लगाएंगे, सूत्र आराम से याद हो जाएगा। और ध्यान करना, ये पहले वाला x1 और y1, ये दूसरा वाला x2 और y2, इस प्रकार आगे से आगे मान प्राप्त होते जाएंगे। देखो आगे देखो ऐसा ही सवाल नंबर 3 दे रखा है, 3 में दे रखा है -AB, पहले के 3 में देखो जिस प्रकार मैंने लिख दिया x लिख दिया अगली बार इसको, ठीक है, चलो इसको r लिख दो या a और b या x लिख दो -A और -B, ठीक है। यहाँ क्या लिखे, देखो आर एस है, तो आर एस का अर्थ है आर और एस के बीच की दूरी, वो आगे x2 - x1 की घात 2 + y2 - y1 और cos लगा कर घात 2। अब देख सकते हो x2 का मान यहाँ क्या होगा, देखो x2 का मान -A और x1 का मान केवल a, cos में नहीं लिखा मैंने क्योंकि दो लगातार माइनस ही नहीं आए, प्लस y2 का मान वही -B और y1 का मान केवल b की घात 2 लगा दो आगे रूट, यहाँ हो जाएगा -2A, यहाँ आ जाएगा -2B और यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर रूट। ये क्या होगा, देखो ये होगा 4A² और यहाँ पर भी होगा 4A². अब देख सकते हैं यहाँ पर देखो 4 बार कॉमन लिख दो, सेंस बचेगा a² + b² का √। आर एस बराबर यहाँ पर मान क्या होगा, देखो ये 2 बार आ जाएगा वर्गमूल 2 होगा, सेंस बचेगा a² + b². अब यहाँ एक बात देख सकते हैं, सारी संख्याएं देखो वर्गमूल संख्या वैसे 2 होती है, प्लस और माइनस दोनों में आएगी, लेकिन ये बीच की दूरी है इसलिए इसको हमेशा किस में लिखते हैं, प्लस में लिखा जाता है, ठीक है। वैसे तो दोनों में आता है प्लस और माइनस में, रूट की संख्या बाहर आ रही है तो उसको प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो बीच की दूरियां ज्ञात करनी है वो प्लस में होती है सारी, इसलिए यहाँ क्या करना आपको केवल
प्लस की लिखनी है। इसके बाद में आ गए सवाल नंबर तीन। सवाल नंबर दो, दो में लिखा है बिंदु 00 और 3615 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बिंदु क्या है 00 और 3615। सवाल नंबर दो, 00 और 3615, यहाँ ए लिख दो और यहाँ बी लिख दो, ठीक है। वो ये भी बराबर दूरी निकाली बीच की, रूट एक्स टू माइनस एक्स वन की घात 2 और वाई टू माइनस वाई वन की घात 2। यहाँ क्या होगा देखो, 36 माइनस 0 आ जाएगा की घात 2 और 15 माइनस 0 की घात 2। यहाँ बचेगा 36 का स्क्वायर और यहाँ बचेगा 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, 36 को 36 से गुणा कर लेते हैं तो यहाँ क्या आएगा देखो, गुणा रख कर ये हम कर सकते हैं, ये आएगा 1296 आएगा देखो और ये आएगा 225। अब इनको जोड़ लेते हैं तो जोड़ने पर इसका उत्तर क्या होगा देखो, 5 11 हो गए, 3 और 9 12 हो गए, ठीक है, 3 और 2 5 हो गए और 1 1521 आ चुका है। यहाँ इसका मान क्या होगा देखो, इसका मान वर्गमूल होगा 39। यानी दूरियां कितनी आ गई है, ए बी के बीच की दूरी आ गई है 39। अब आगे और लिखा है देखो, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरियां याद कर सकते हैं। यानी अनुच्छेद पीछे 7.2 दिया गया है, किताब प्रश्नमाला शुरू हुई है वहीं से देखो पीछे निकालते हैं, दो शहर है उनके बीच की दूरियां निकालनी है आपको। यानी देख सकते हैं देखो, ऐसा कुछ चित्र में दिया गया है, ठीक है, और यहाँ देखो उत्तर दिशा है, ऐसा कुछ लिखा गया है। और अब क्या निकालनी है आपको, दो शहरों के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है देखो, ये दूरी दे रखी है 36 और ये 15, ये दूरी 36 किलोमीटर है और ये दूरी है 15 किलोमीटर। यानी यहाँ ए ओ लिख दो, ठीक है, ए लिख दो और बी लिख दो। अब दो शहर कहाँ कौन कौन सा है देखो, एक शहर यहाँ ओ और बसा हुआ है और एक शहर यहाँ बसा है देखो, ठीक है ना। निर्देशांक इसे कितने देखो, इसके निर्देशांक थे 00 और इसके निर्देशांक थे 36 और 15, वही बात है सेम का सेम जो यहाँ लिखा था ना, वही बात है। अब देख सकते हो ये x का मान 36, यानी ये दूरी कितनी है देखो 36 है, इसलिए ये 36 लिख दी है। और y का मान 15, यानी ये दूरी 15 है तो ये दूरी भी क्या हो जाएगी 15, इस प्रकार 36 15 लिख दिया है। अब कैसे कर सकते हैं इसको, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कर सकते हैं देखो, ठीक है, इस द्वारा हमने कर लिए, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा भी कर सकते हैं। देखो ये कौन नबेड़ी, ये करण है, यानी करण का मान आपको याद करना है, तो यहाँ हो जाएगा करण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। करण यहाँ पर क्या है देखो, ओबी है, यहाँ हो जाएगा ओबी का वर्ग। आधार का मान 36 है तो यहाँ हो जाएगा 36 का वर्ग, और लंब का मान 15 है तो यहाँ हो जाएगा 15 का वर्ग। अब देख सकते हैं 36 का वर्ग क्या होगा देखो, 36 का वर्ग हो रहा है 1296 में, ठीक है, और 15 का वर्ग होगा 225। इसका वर्गमूल निकाल दो तो वही देखो रूट 1521 होगा, और इसका मान वैसे भी क्या होगा केवल, अब ये केवल ओ भी रह रहे, ओ भी रह जाएगा देखो ये, ठीक, क्योंकि हटाएंगे ना तो इस वर्गमूल हो जाएगा इसका, यहाँ ओ भी का मान क्या होगा सिर्फ 39 किलोमीटर होगा, ठीक है। इस प्रकार ओबी का मान भी ज्ञात हो गया, दोनों शहरों के बीच की दूरियां भी ज्ञात कर ली हमने, ठीक है। अब आगे सवाल नंबर तीन, तीन में क्या रहेगा, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 -11 स्नेह की है, स्नेह की होने का अर्थ क्या है, सिद्ध रेखा में है। सिद्ध रेखा में कब होते हैं देखो, सिद्ध रेखा में ध्यान करना है आपको, इस प्रकार ये ए लिखा है, ये बी लिखा है और ये सी लिखा है। सिद्ध रेखा तब भी होगा जब ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी हो, ए सी प्लस बी सी हो। जैसे मैंने लिख दिया ये 15 है और ये 20 है, अगर ए बी का मान भी अगर 35 आ रहा है तो ये सिद्ध रेखा में, यानी सिद्ध रेखा में नहीं होंगे, तो स्नेह का अर्थ क्या है, सिद्ध रेखा में होना। तो स्नेह का आपको ध्यान ये रखना है कि यदि तीन बिंदु सिद्ध रेखा सरल रेखा में हो, सिद्ध रेखा में हो, तो वो क्या होते हैं, स्नेह की बिंदु कहलाते हैं। तो यहाँ देखो क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है
एक पांच, दो और तीन, और माइनस दो माइनस ग्यारह, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा गया है। तो यहाँ आप ए लिख दो, यहाँ बी लिख दो, और यहाँ सी लिख दो। हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, देखो पहले ए बी ज्ञात करेंगे, बी सी ज्ञात करेंगे, बाद में ए सी ज्ञात करेंगे। अगर ए बी और बी सी का योगफल ए सी बराबर आ जाता है तो तीनों बिंदु श्रेणी के हो गए, नहीं तो बिंदु श्रेणी के नहीं होंगे। पहले मान ज्ञात कर लो आप ए बी का, वही रूट एक्स टू माइनस एक्स वन की घात दो प्लस वाई टू माइनस वाई वन की घात दो। ए बी बराबर एक्स टू का मान देखो दो है, दो माइनस एक की घात दो, तीन माइनस पांच की घात दो। हल करेंगे, यहाँ देखो एक बचेगा, यहाँ माइनस दो बचेगा, हल कर लेते हैं। इसका मान आएगा एक प्लस चार, ए बी का मान आ जाएगा रूट पांच। ए बी का मान हमने क्या ज्ञात कर लिया है, रूट पांच ज्ञात कर लिया है। अब बाद में बी सी का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, वो या एक्स टू माइनस एक्स वन की घात दो प्लस वाई टू माइनस वाई वन की घात दो। बी सी बराबर एक्स टू का मान क्या है, देखो माइनस का दो है, ये देखो देख सकते हैं, बी और सी वाला लेना आपको, बी वाला एक्स वन वाई वन, सी वाला एक्स टू वाई टू, तो माइनस के दो। एक्स वन का मान क्या है, देखो केवल दो है, कवर नहीं दो। उसके बाद में देखो वाई टू का मान क्या है, माइनस ग्यारह है, और वाई वन का मान केवल तीन है। जब दो लगातार माइनस में आते हैं यहाँ पर, तो एक माइनस कॉस टर्म में लिखते हैं। देखो बी सी बराबर ये हो जाएगा, देखो माइनस चार होगा यानी सोलह हो जाएगा, और ये क्या होगा चौदह, चौदह का हो जाएगा एक सौ छियानवे। इसको हल करेंगे ना, इसका मान आएगा 212, 212 का रूट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ए सी बराबर, ए सी का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। देखो ए सी में आपको ये ए वाला एक्स वन वाई वन, सी वाला एक्स टू वाई टू लेना है। यहाँ होगा एक्स टू माइनस एक्स वन की घात दो, और वाई टू माइनस वाई वन की घात दो। ए सी बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो इसको यहाँ देखो माइनस दो है, और एक्स वन का मान केवल एक है, कवर लिख दो। वाई टू का मान यहाँ माइनस ग्यारह है, और वाई वन का मान पांच है, घात दो आ जाएगी। ये क्या होगा, देखो ये हो जाएगा माइनस तीन का वर्ग, और यहाँ हो जाएगा माइनस सोलह का वर्ग। ऐसी बराबर ये देखो नौ, और ये होगा 256, एसी का मान आ जाएगा रूट 265, ठीक है। अब आप देख सकते हो, अब इनको जोड़ोगे ना, ठीक है ना, इसके बराबर एसी के बराबर नहीं आएगा। इसका अगर उत्तर पॉइंटों में निकालोगे, ठीक है, तो भी क्या होगा, इसका उत्तर नहीं आएगा। या देख सकते हैं, देखो इसका मान लगभग दो, दो के दो आगे पॉइंटों में समथिंग आएगा। इसका मान देखो 10 × 2, 200 लिखेंगे, बाद में 106 × 2, ठीक है, इसका मान लगभग 10 से ज़्यादा आएगा देखो, और इसको लिखेंगे 265 है, इसको लिखेंगे हम, इसका मान भी क्या होगा, देखो इसके बराबर नहीं आएगा। तो यहां देख सकते हैं, यानी सर की तभी होगा जब ए बी और बी सी का योगफल पॉइंटों के समेत ए सी के बराबर आ रहा है तो, और ऐसा इसमें संभव नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहां लिख दो ए बी प्लस बी सी, ए बी का मान आपके पास में रूट पांच है, ठीक है, और बी सी का मान रूट 212 है, ठीक है। अगर अब यहाँ क्या ले सकते हैं हम, ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल ए सी, यानी ए बी और बी सी का मान ए सी के बराबर नहीं है, अतः लिख दो, अतः ए बी वे सी क्या नहीं है, संरेखीय नहीं है, सीधी रेखा में नहीं है, और यही बात आपको यहाँ पर लिखनी थी, ठीक है। इस प्रकार ये सवाल नंबर चार, हम सवाल नंबर तीन कर सकते हैं, देखो इस प्रकार तीन नंबर करना आपको। उसके बाद में आ गए सवाल नंबर चार, चार में क्या लिखा है, जांच कीजिए कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अभी मैंने बताया था समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा, दो भुजाएं बराबर होगी, ठीक है, तीसरी भुजा अलग हो सकती है लेकिन दो भुजाएं उसकी बराबर होगी। यहां लिख सकते हो देखो सवाल नंबर चार, ए वाला क्या दे रखा है, पांच माइनस दो, इसको आप ए लिख दो, यहाँ बी लिख दो, और यहाँ सी लिख दो। बी वाला लिखा है छः चार,
और चार और सात और माइनस दो, ठीक है। एबीसी लिख दिए, ए वाला दे क्या दे रखा, पांच माइनस दो दे रखा है, बी वाला छह चार है, सी वाला सात माइनस दो है। अब इसमें सब कुछ दे दिया है तो पहले हमें क्या निकालना होगा, इसमें यह सिद्ध करना है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। करना तरीका वही है, ठीक है। ए बी बराबर लिख लो रूट एक्स टू माइनस एक्स वन की घात दो, वाई टू माइनस वाई वन की घात दो। ए बी बराबर एक्स टू का मान क्या होगा, छह माइनस पांच की घात दो, और वाई टू का मान होगा चार माइनस, और ये माइनस दो हो जाएगा। देखो देख सकते हैं यहाँ पर क्यों लगोतार दो माइनस चिन्ह चुका। देखो ए बी बराबर ये होगा, देखो एक का वर्ग हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा चार प्लस दो का वर्ग। इसको हल करते हैं तो एक प्लस ये हो जाएगा छत्तीस। ए बी का मान क्या आएगा, देखो देख सकते हैं इसका मान आएगा रूट सैंतीस। इसको आगे हल मत करो, पॉइंट टू मत निकालो, यहां तक लिख दो। बी सी बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन की घात दो प्लस वाई टू माइनस वाई वन की घात दो। बी सी बराबर देखते हैं, एक्स बी सी में देखो एक्स टू का मान ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, सात माइनस छ की घात दो, सात माइनस छ की घात दो प्लस वाई टू का मान क्या, देखो माइनस दो, वाई वन केवल चार है, चार लिख दो। ये तो सूत्र वाला माइनस देखो बीच का, ये वाई टू माइनस फोर वाई वन, वाई वन का मान केवल चार है। ये होगा एक का वर्ग और ये होगा माइनस छ का वर्ग। तो बी सी का मान यहाँ क्या होगा, देखो एक प्लस तीस, ठीक है। और बी सी का मान भी क्या आएगा, देखो रूट सैंतीस आ गया। अब अंत में क्या बताया, ए सी बताया, ए सी ज्ञात कर लो। ए सी बराबर ए सी में क्या, देखो वही एक्स टू माइनस एक्स वन की घात दो प्लस वाई टू माइनस वाई वन की घात दो। ए सी बराबर यहां देख सकते हैं एक्स टू का मान क्या, ए सी है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, सात माइनस पांच की घात दो, और वाई टू का मान यहाँ देखो माइनस दो है, वाई वन का मान माइनस दो है, तो माइनस दो कोष्ठक में देखो इस प्रकार की घात यहाँ दो लगा दो, ये हो जाएगा सात माइनस पांच दो का वर्ग हो जाएगा। देखो यहाँ हो जाएगा माइनस दो और प्लस दो का वर्ग हो जाएगा, कट जाएगा जीरो आ गया। देखो यानी ए सी का मान हो गया है रूट चार, और रूट चार का मान भी क्या होगा, देखो दो होगा। अब देख सकते हैं आप ए बी बी सी का मान बराबर है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर क्या है रूट सैंतीस है, ठीक है। अब मैंने बताया था जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज है ये, अतिरिक्त दो ए बी और सी ये तीनों क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, इस प्रकार ये देख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये सवाल हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। तो फिर इसमें ए बी ज्ञात कर लो, बी सी ज्ञात कर लो, एस सी ज्ञात कर लो। ए बी एस बी सी का मान बराबर आ रहा है, वो बराबर देखो रूट सैंतीस आ रहा है, इसलिए क्या है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। आगे सवाल नंबर है, सवाल नंबर आपके आया हुआ आगे पांच नंबर। पांच में क्या लिखा गया, देखो कक्षा में चार मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दिया गया है, ठीक है। एक देखो चित्र की दिया गया है ऐसा कुछ, ठीक है। इस चित्र में चार मित्र बैठे हैं, चारों कोनों पर देखो, यहाँ ए लिख दो, यहाँ बी लिख दो, यहाँ सी लिख दो, यहाँ डी लिख दो। चार मित्र बैठे गए हैं, आकृति 7.8 में दिया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी वर्ग है। यानी चंपा क्या क्या कहती है कि ए बी सी डी क्या है, वर्ग। यानी ये चारों मित्र है वो ए बी सी डी एक वर्ग के कोने पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब चमेली सहमत नहीं है, चंपा क्या कहती है इसमें वर्ग है, और चमेली कहती है वर्ग नहीं है। अब दूर सूत्र का प्रयोग करके बताइए इसमें से कौन सही है, हमें क्या देखना है ये वर्ग है या नहीं है। वर्ग कब होगा, मैंने बता दिया है, जब चारों भुजाएं बराबर होगी, विकर्ण बराबर होगा, तब वर्ग होगा। अब देख सकते हैं इसमें ए कहाँ है, देखो एक्स में देखना है और वाई में देखना है। अब देखो ये मैंने बताया था इस प्रकार, ये रेखा है, ये एक्स अक्ष है और ये रेखा वाई अक्ष है।
अब आपको पहले किस में देखना है, किस आडी रेखा में देखना है और बाद में खड़ी रेखा में देखना है। अब ये में देख सकते हैं, ये देखो आडी रेखा में तीन के सीध में है और खड़ी रेखा में चार के, निर्देशांक हो जाएगा ए का तीन और चार, यहाँ लिख दो तीन और चार। बी वाला देखो आडी रेखा में कहाँ पर है, खड़ी रेखा में कहाँ है, आडी में देखो छह है, खड़ी में सात पर है, निर्देशांक हो जाएगा छह और सात। और सी देखते हैं, देखो सी आडी रेखा में नौ पर है, खड़ी में चार पर है, निर्देशांक नौ और चार हो गया। उसके बाद में डी, डी देखो आडी रेखा में छह के सीध में, खड़ी में एक के साथ में, निर्देशांक हो गया छह और एक, ये देखो लिख लिया है। अब क्या निकालना है हमें, इसमें से कौन सही है, तंपा सही है, तंबेली सही है। तो पहले किसका मान ज्ञात करेंगे, वो ए बी का मान, दूरी सूत्र एक्स टू माइनस एक्स वन की घात दो प्लस वाई टू माइनस वाई वन की घात दो। यहां देख सकते हैं, देखो ए बी बराबर में ए बी का मान यहां देख सकते हैं, ए बी का मान एक्स टू का मान यहां क्या देखो छह माइनस तीन की घात दो, सात माइनस चार की घात दो। ये देखो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, यहाँ क्या बचेगा देखो तीन बचेगा, तीन का वर्ग हो जाएगा नौ, यहाँ तीन बचेगा तीन का वर्ग नौ, ए बी का मान हो गया रूट अठारह। अठारह को क्या लिख दो आप, अठारह को लिख दो नौ इंटू दो, ए बी का मान क्या आ जाएगा, नौ का वर्गमूल देखो तीन होता है, मान आ जाएगा तीन रूट दो। उसके बाद में ज्ञात कर लेते हैं बी सी बराबर, बी सी, बी सी देखो एक्स टू का मान क्या देखो, ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, बी सी एक्स टू का मान नौ है, नौ माइनस छः की घात दो, नौ माइनस छः की घात दो और चार माइनस सात की घात दो। ये बी वाला एक्स वन वाई वन सी वाला एक्स टू वाई टू, नौ माइनस छः की घात दो, चार माइनस सात की घात दो। हल करेंगे, ये देखो तीन का वर्ग आएगा, ये माइनस तीन का वर्ग आएगा, देख सकते हैं इसका मान क्या होगा, देखो ए बी सी का मान ये देखो नौ और ये नौ अठारह हो जाएगा, देखो ये प्लस का नौ अठारह, बी सी को आप लिख दो छः, नौ इंटू दो, नौ इंटू दो लिखोगे, जिसका वर्गमूल है उस रूप में लिखो आप, छः इंटू तीन लिखोगे ना तो वर्गमूल किसी का ही नहीं है, इसलिए नौ इंटू यानी तीन रूट दो आ जाएगा। बी सी ज्ञात कर लिया, अब ज्ञात करते हैं आगे सी डी, सी डी बराबर, ये तो क्या है, ये तो हम भुजाएं ज्ञात की, ये तो हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, भुजाएं ज्ञात कर रहे हैं, भुजाएं ए बी बी सी, ए बी बी सी सी डी ए डी, चलो भुजाएं ज्ञात करेंगे। भुजाएं देखो सी डी में एक्स टू वाई टू, एक्स वन वाई वन, एक्स टू और वाई टू, ये देखो एक्स वाला ये तो सी वाला हो गया, एक्स वन वाई वन और डी वाला एक्स टू वाई टू, यानी यहाँ हो जाएगा छ माइनस नौ की घात दो, एक माइनस चार की घात दो, यहाँ क्या बचेगा देखो माइनस तीन का वर्ग बचेगा और यहाँ ही माइनस तीन का वर्ग बचेगा, मान क्या होगा देखो वही होगा नौ और नौ अठारह हो जाएगा, अठारह को क्या लिख दो आप, नौ इंटू दो लिख दो और मान अंत में क्या होगा देखो सी डी का मान वही तीन रूट दो होना है। अंत में क्या बचा है, ए डी बचा है, ए डी का मान भी याद कर लो, ए डी में क्या बचा है देखो ए डी वाला, ए वाला एक्स वन वाई वन डी वाला एक्स टू वाई टू, यानी छह माइनस तीन की घात दो। उसके बाद में एक माइनस चार की घात दो, इसका मान यहां क्या आएगा देखो हल करते हैं, इसका मान देखो माइनस तीन ही आएगा और इसका मान आएगा माइनस तीन का वर्ग आ जाएगा, ये हो गया नौ और नौ अठारह, ए डी का मान भी क्या हो रहा है देखो यहां पर रूट अठारह, तो यहाँ एडी को लिख दो आप नौ इंटू दो, ठीक है, तो यहाँ एडी का मान क्या आ जाएगा वही तीन रूट दो आ गया। अब ज्ञात करते हैं विकिरण, विकिरण एस ज्ञात कर लो और बी डी ज्ञात कर लो, ठीक है। एस में देखते हैं ए सी, ए सी ये देखो हो गया एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, नौ माइनस तीन की घात दो, नौ माइनस तीन की घात दो प्लस चार माइनस चार की घात दो, यहाँ क्या आएगा देखो एसी बराबर में आ चुका है, ये हो गया छः का वर्ग और ये हो गया जीरो, तो छत्तीस हो गया रूट, रूट छत्तीस का मान क्या होगा देखो छः आ जाएगा। उसके बाद में बी डी बराबर, बी डी में देखो बी डी कहाँ है देखो ये बी डी है, तो बी वाला एक्स वन वाई वन डी वाला एक्स टू वाई टू, तो छः माइनस छः की घात दो, छः माइनस छः की घात दो, एक माइनस सात की घात दो, ये देखो एक है और ये सात है, तो बी डी का मान क्या आ जाएगा देखो ये जीरो और ये हो गया माइनस छः का वर्ग। हल करो इसको, क्या आएगा देखो बी डी का मान भी क्या आएगा छत्तीस प्लस जीरो, मान छत्तीस आएगा,
यानी इसका मान सिद्ध क्या लिख दो आप, छह लिख दो। अब देख सकते हैं यहां देखो भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर आ रही है, देखो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों भुजाएं बराबर आ रही है, इसका मान सब सबका मान आ रहा है तीन रूट दो आ रहा है, देखो सबका मान तीन रूट दो। और विकिरण है ए सी बराबर बी डी, क्या आ रहा है देखो छह आ रहा है, अतः ए बी सी डी क्या है देख सकते हैं, अतः ए बी सी डी ए क्या है वर्ग है। अब बताओ दोनों में सही कौन है, चंपा सही है चमेली सही है। अब इसमें चंपा कह रही थी कि ए बी सी डी वर्ग है और चमेली सहमत नहीं है, इसलिए दोनों में सही कौन है, चंपा सही है। ठीक है नंबर छह, सहमी क्या लिखा है देखो, निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए यदि हो तो, और अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। अब छह में कुल तीन प्रश्न दे रखे हैं, पहला यहाँ दे रखा है देखो ए माइनस एक माइनस दो और अब एक जीरो माइनस एक और दो माइनस तीन और जीरो। सबसे पहले यहाँ किसका मान ज्ञात करेंगे हम, ए बी बराबर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन की घात दो प्लस वाई टू माइनस वाई वन और कोस की घात दो। एक्स टू का मान यहाँ देखो एक, एक्स वन का मान माइनस एक कोस में लिखो की घात दो, वाई टू का मान जीरो वाई वन का मान माइनस दो कोस में लिखो की घात दो। एक प्लस एक हो जाएगा जीरो प्लस दो हो जाएगा, यहाँ इसका मान आएगा देखो चार और ये भी चार रूट आठ, इसको आप लिख दो चार इंटू दो लिख दो, ए बी का मान आ जाएगा दो रूट दो। ठीक है उसके बाद में ज्ञात करते हैं बी सी बराबर, ठीक है बी सी का मान यहाँ क्या देखो बी सी बी वाला होगा, चित्र देखो चित्र बना सकते हो ऐसा कुछ है, ठीक है यहाँ ए लिख दो यहाँ बी लिख दो यहाँ सी लिख दो और यहाँ डी लिख दो। ए का मान देखो माइनस एक और दो है, बी का मान एक और जीरो है, सी का मान माइनस एक और दो है और डी का मान माइनस तीन, और इस प्रकार चारों ज्ञात कर लो ए बी बी सी सी डी और ए डी। बी सी बराबर बी सी में देखो ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ये देखो एक्स टू और ये एक्स वन का मान केवल एक है, वाई टू माइनस वाई वन ये देखो दो माइनस जीरो की घात दो, यहां देखो माइनस दो का वर्ग हो जाएगा और यहां दो का वर्ग हो जाएगा, जोड़ो इनको चार और ये चार, बीसी का मान क्या आ जाएगा दो रूट आठ आ जाएगा, आठ को क्या लिखोगे आप चार इंटू दो लिख दोगे, अंत में बीसी का मान क्या आएगा देखो वही आ गए बीसी बराबर दो रूट दो। सीडी बराबर सीडी में देखो एक्स टू का मान क्या है माइनस तीन, ये देखो हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन का मान माइनस एक प्लस, ठीक है आगे देखो सीडी बराबर आ जाएगा माइनस तीन ये प्लस एक की घात दो और ये देखो वैसे ही जीरो माइनस दो माइनस दो माइनस दो का वर्ग चार, सीडी का मान क्या आएगा देखो माइनस दो अगर बचेगा तो चार प्लस चार, सीडी का मान वही रूट आठ, सीडी को आप लिख दो चार इंटू दो, तो अंत में सीडी का मान क्या आएगा देखो दो रूट दो यहाँ है, और अंत में क्या बता रहे वो आगे ए डी ज्ञात कर लो, ए डी ए और डी, ए वाला एक्स वन वाई वन डी वाला एक्स टू वाई टू, तो यहाँ देखो माइनस तीन है और एक्स वन का मान माइनस ए कोष्ठक में रख दो यहाँ की घात दो, वाई टू का मान जीरो वाई वन का मान माइनस दो कोष्ठक में रख दो की घात दो। ए डी बराबर मान यहाँ आ जाएगा देखो माइनस तीन प्लस ए का वर्ग और जीरो ये माइनस माइनस प्लस दो का वर्ग, ए डी का मान यहाँ आ जाएगा यहाँ देखो माइनस दो बचेगा माइनस दो का वर्ग चार और ये दो बचेगा दो का वर्ग भी चार, ए डी का मान आठ होगा आठ पावर दो चार इंटू दो, ए डी का मान वही दो रूट दो आना है, चलो मान देखो दो रूट दो आ रहे हैं, शेष क्या बचे विकिरण बचे हैं ए सी और बी डी, ए सी
एसी और डिवीजन भी याद कर लेते हैं, क्या आ जाएगा देखो, ए सी बराबर ए सी बताओ एक्स टू का मान क्या, देखो ए सी एक्स टू का मान माइनस ए एक्स वन का मान माइनस ए कोष्टक में की घात दो, वाई टू का मान दो ठीक है और यहाँ माइनस की घात दो या माइनस एक और माइनस दो, देखो यहाँ माइनस एक और माइनस दो ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा देखो ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और यहाँ माइनस दो लगा दो, अब क्या कर दोगे इसका वर्ग कर दो आगे, यहाँ माइनस दो और यहाँ आगे वर्ग, ऐसी बराबर आ जाएगा देखो ये बचेगा माइनस एक प्लस एक की घात दो और यहाँ होगा दो प्लस दो की घात दो, ये देखो जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा सोलह, तो सोलह का मान क्या होगा वैसे भी अंत में चार होगा, देखो वर्ग में चार हो जाएगा और अंत में क्या बचा देखो आगे एक वीकेंड बीटी बचा है ठीक है, ये तो यहाँ पर वीकेंड याद कर रहे हैं हम और यहाँ हमने भुजाएं याद की है, यहाँ भुजाएं लिखो ठीक है, वीकेंड एसी का मान अब आगे बचा है बी डी बराबर बी डी एक्स टू का मान क्या है माइनस तीन और आगे क्या बचा है आगे एक, ये देखो वाई टू माइनस वाई वन का मान एक्स टू का मान माइनस एक्स वन का मान केवल एक, ये देखो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू जीरो माइनस जीरो की घात दो, यहाँ माइनस चार का वर्ग होगा और ये देखो जीरो हो जाएगा, बी डी का मान होगा रूट सोलह और बी डी का मान अंत में क्या आ जाएगा चार, सब याद कर लिए देखो ठीक है, अब आगे लिख दोगे देखो यहाँ पर, यानी भुजाएं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, सारी भुजाएं कितनी आ रही है देखो दो रूट दो आ रही है, विकिरण ए सी बराबर बी डी बराबर आ रहा है चार, चारों भुजाएं बराबर विकिरण बराबर तो क्या होता है वर्ग होता है ना, तो यहां लिख दो आते हैं ए बी सी डी क्या है एक ओवर अजय, इस प्रकार ये सवाल नंबर छह का पहला है। अब देखो आगे सवाल नंबर छह में दो अंग और है, करने का तरीका सेम का सेम ऐसा ही है, सब में हमें चारों भुजाएं याद करनी है विकिर्ण याद करने हैं, सब में ऐसा ही है, बता दिया है चारों भुजाएं बराबर हो विकिर्ण बराबर हो तो वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर विकिर्ण बराबर नहीं है समचतुर्भुज है, क्या आमने सामने भुजाएं बराबर, ये देखो ये भुजाएं बराबर है और विकिर्ण बराबर है तो वो क्या है आयत है, आमने सामने भुजाएं बराबर है और विकिर्ण बराबर नहीं है तो वो एक समान चतुर्भुज है, और ये चारों ही बातें नहीं है, चारों भुजाएं अलग अलग आ रही है तो चतुर्भुज हो सकता है लेकिन उसका प्रकार नहीं है ठीक है, इस प्रकार ये सवाल नंबर छह के सारे प्रश्न कर सकते हैं, आगे हम करेंगे सवाल नंबर सात। साथ में क्या लिखकर देखो अक्ष एक्स अक्ष पर वे बिंदु ज्ञात करो जो दो माइनस पांच वे माइनस दो नौ से समदूरस्थ है, यहां पर लिख दो ए और यहां पर लिख दो बी, एक बिंदु यहां है वो कहां पर है एक्स अक्ष पर है, इसका अर्थ क्या है एक्स अक्ष पर यानी यहां वाई का मान जीरो है और एक्स का मान हमें ध्यान नहीं है, तो यहां निर्देशांक लिख सकते हो उसके एक्स और जीरो, एक्स अक्ष लिखा ना तो वहां भी वाई का मान जीरो होगा, एक्स का मान हमें ध्यान नहीं है तो एक्स की जगह एक्स लिख दो आप, और वो बिंदु समदूरस्थ कहां कहां से है दो माइनस पांच और एक लिखा है माइनस दो नौ से समदूरस्थ है, यहां ए लिख दो यहां बी लिख दो यहां सी, समदूरस्थ का अर्थ क्या है एस सी किसके बराबर है देखो बी सी के बराबर है, एस सी किसके बराबर है बी सी के बराबर है, तो ये एस सी का मान क्या होगा सूत्र लगा दो, यहां सूत्र लगा दो एक्स टू माइनस एक्स वन की घात दो वाई टू माइनस वाई वन की घात दो, एक्स टू माइनस एक्स वन की घात दो वाई टू माइनस वाई वन की घात दो, एसी में देखो एक्स टू का मान क्या है एक्स है एक्स माइनस दो की घात दो और वाई वाई टू का मान देखो जीरो है और यहाँ वाई वन का मान माइनस पांच कोष्टक की घात दो लगा दो, वापिस वर्गमूल बी सी एक्स टू का मान देखो माइनस दो है और एक्स वन का मान एक्स की घात दो, वाई टू का मान क्या है नौ माइनस जीरो की घात दो, दोनों तरफ रूट है रूट से रूट कट गया,
यहां बचेगा x माइनस दो की घात दो, 0 प्लस 5 की घात 2 बराबर, यहां देखो माइनस चिन्ह बार कॉमन लिख लो आप, माइनस चिन्ह को, तो यहां बचेगा 2 प्लस एक्स और घात 2 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81। सूत्र के द्वारा खोलो इसको, a माइनस बी की घात 2 के द्वारा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां मिलो a की जगह x है, b की जगह 2 ए स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर, a की जगह हमारे पास में 2 ए बी यानी a की जगह x है और b की जगह हमारे पास में केवल 2 है, b स्क्वायर में 2 का स्क्वायर यानी हो गया 4, ये हो गया देखो 25। अब देखो माइनस चिन्ह की घात भी 2 प्लस का बन जाएगा, तो ये बनेगा 2 प्लस एक्स की घात 2 और आगे यहाँ लिख दो 81, एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा माइनस का 4x और आगे प्लस के 29 हो जाएंगे बराबर, यहाँ सूत्र काम आएगा a प्लस बी की घात 2 वाला, वो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर में किसकी घात 2 लिख देंगे, 2 की घात 2 प्लस 2 इंटू ए की जगह हमारे पास में क्या है 2 है, बी की जगह एक्स है, बी की घात 2 एक्स की घात 2 और आगे हो जाएगा 81, यहाँ क्या हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर, ये होगा यहाँ प्लस के 4 आगे प्लस के 4x एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 85, ठीक है सब कुछ लिख दिया देखो यहाँ पर हमने 81 और ये 4 85 हो गए देखो, ठीक है ये 4 और 81 यहाँ 85 बाद में होंगे, पहले 81 लिखो इनको, अब दोनों तरफ x की घात 2 है तो x की घात 2 से कट जाएगा, इधर लाएंगे माइनस का होगा पक्षांतर होगा तो माइनस का होगा कट जाएगा, तो माइनस का 4x और ये इधर माइनस का 4x बराबर हो जाएगा 81 और 4 85 माइनस 29 माइनस का 8x 15 में से 9 6 7 में से 2 5 x बराबर आएगा 56 बटे माइनस 8, x का मान क्या आएगा माइनस 7, x का मान क्या आ गया देखो माइनस 7 और y का मान पहले से 0 है, तो आगे लिख दो बिंदु C के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु C के निर्देशांक बराबर क्या होंगे माइनस 7 और 0, तो ये देख लीजिए कहां पर है y x पर ही तो है, x अक्ष पर है, x अक्ष का है तभी y का मान यहां पर क्या है देखो 0 है, इस प्रकार ये सवाल नंबर 7 हमने कर लिया है। साथ में क्या लिखा है को एक ऐसा बिंदु है जो एक्स अक्ष पर है और जो क्या है इन दोनों समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है, समान दूरी होने के कारण क्या होगा AC बराबर क्या लिखेंगे हमें BC लिखेंगे और उसके बाद में आगे ये प्रश्न होता जाएगा। आगे सवाल नंबर देख रहा है आठवां, y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए दो बिंदु है P और Q उनके बीच की दूरी 10 मात्रक दे रही है, सवाल नंबर आठ, दो बिंदु है P और Q उनके बीच की दूरी क्या दे रखी है देखो 10 दे रखी है 10 मात्रक, यहां देखो P का दे रखा है 2 और माइनस 3 और Q का दे रखा है 10 और y, 10 और y, P और Q का अर्थ है P और Q के बीच की दूरी वो हमें 10 दे क्या दे रखी है 10 दे रखी है, तो लगाएंगे देखो पी क्यू बी दूरी वाला एक्स टू माइनस एक्स वन की घात 2 y2 माइनस 10, अब यहां हटाएंगे घात 2 इधर घात 2 हो जाएगी देखो ये रूट हटाएंगे ना इधर हो जाएगा 10 की घात 2, x2 का मान क्या है 10, x1 का मान 2 की घात 2, y2 का मान क्या है वो y, y1 का मान केवल माइनस 3 है तो कोष्ठक की घात 2, यह हो जाएगा 8 की घात 2, यहां हो जाएगा y प्लस 3 की घात 2 बराबर ये हो रहा है यहां 100, यह सूत्र काम आएगा a प्लस बी की घात 2 ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, a की घात a का मान y b की मान 3 a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू y इंटू 3 प्लस 3 की घात 2 9 बराबर 100, ये देखो y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ हो जाएगा प्लस का 6y 64 9 हो गए 73 या माइनस 100 बराबर 0, आगे हल करेंगे तो यह होगा वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ प्लस का 6y होगा और माइनस 27 27 बचेगा सेंस देखो, अब टुकड़े करेंगे देखो इसके गुणा करने पर क्या आना चाहिए माइनस 27 आना चाहिए गुणा करने पर, यानी इसको गुणा पहले आप इसको कर लो, गुणा करने पर आ रहा है माइनस 27y की घात 2
या वाई है, तो एक बार वाई की घात वाई को भूल जाओ। यानी जोड़ने पर से दो संख्या ऐसी बताओ जिनको जोड़े घटाएं या छह आना चाहिए प्लस का, गुणा करें तो माइनस 27 आना चाहिए। तो संख्या होगी देखो वो प्लस का 9y और माइनस का 3y माइनस 27 बराबर 0। 6y की जगह 2 ये लिख दो। अब देखो प्लस के 9 माइनस के 3, शेष प्लस के 3 बचेंगे, 9 माइनस 3 गुणा करेंगे माइनस 27 आएगा। पूरा सही लिखा देखो। अब यहाँ y बार कॉमन आ गया, शेष बचेगा y प्लस 9, माइनस 3 बार कॉमन लेंगे शेष बचेगा y प्लस 9। तो y प्लस 9 बराबर 0, माइनस 9 आएगा। देखो एक तो मान y माइनस 3 बराबर 0, y का मान क्या आएगा प्लस 3। y का मान अगर माइनस 9 लेते हैं तभी दूरी 10 मात्रक आएगी, y का मान प्लस 3 लेते हैं तभी दूरी क्या आ जाएगी 10 मात्रक ही आएगी। ये कर लिया हमने। अब आगे सवाल बचा है नौवां और दसवां, दो और कर रहे हैं। देखो नौवें प्रश्न में लिखा है Q P और R से समदूरस्थ लिखा हुआ है। बिंदु Q क्या है, समदूरस्थ कहां कहां से है, समदूरस्थ दे रखा है P और R से। ये बिंदु P है और ये बिंदु R है। यहां बिंदु Q है, ये Q क्या है, P और R दोनों समदूरस्थ है। यहां देखो Q का दे रखा है 0 और 1 दे रखा है, और P का दे रखा है हमें 5 माइनस 3, ठीक है। R का दे रखा है x और 6। समदूरस्थ का नाम आ गया है, ठीक है। यहां आपको ध्यान क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर लिख दो, सूत्र लगा दो यहां दोनों में, दोनों में सूत्र लगा दो, एक्स टू माइनस एक्स वन की घात 2, वाई टू माइनस वाई वन की घात 2, ठीक है। अगर यहां भी हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन की घात 2, वाई टू माइनस वाई वन की घात 2। एक्स टू का मान यहाँ क्या देखो, पीक्यू पी क्यू दे रखा है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू 0 माइनस 5 की घात 2, वाई टू 1 माइनस 3 की घात 2, ठीक है। देख सकते हैं ये एक्स टू वाला मान क्या देखो, 0 माइनस 5 की घात 2 प्लस 1 माइनस और ये माइनस 3 की घात 2। वापिस देखो क्यू आर में एक्स टू का मान क्या है, एक्स माइनस 0 की घात 2 छ माइनस 1 की घात 2। ये देखो वाई एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू 6 माइनस 1 की घात 2। दोनों तरफ रूट लगा दो, रूट कट जाएगा, दोनों रूट है, रूट से रूट कट गया। ये देखो 0 माइनस 5 बचेगा, 5 का वर्ग 25, ये 1 प्लस 4 हो जाएगा, 1 प्लस 3 बाद में होगा 4, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 25। ये हो जाएगा 25 प्लस 16 माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर, कट गया। एक्स स्क्वायर का मान 16 है, एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस 4 आ जाएगा। एक्स का मान प्लस 4 भी हो सकता है, माइनस 4 भी हो सकता है। आगे लिखा है दूरियां क्यू आर और पी आर, पी आर भी याद करो। अब लेंगे एक्स बराबर 4 हो तो, एक्स बराबर 4 दूरी पी आर क्या होगी, देखो एक्स की जगह आप क्या लोगे यहां पर प्लस के 4, दूरी पहले पी आर याद करो। पी आर में एक्स टू का मान क्या होगा, देखो 4 माइनस 5 आ जाएगा, प्लस वाई टू का मान वही 6 माइनस और माइनस 3 का वर्ग। पी आर का मान आ जाएगा देखो ये माइनस 1 का वर्ग और ये 6 प्लस 3 9 का वर्ग आ जाएगा, ये माइनस प्लस पी आर का मान आ जाएगा 81 और 1 82, यानी रूट 82 आ गया। 81 और रूट 1 एक और माइनस एक और एक ही होगा, 81 और 82 हो गए। क्यू आर भी याद कर लो, क्यू आर में देखो क्यू आर कहाँ है, देखो क्यू आर एक्स टू का मान 4 है, तो यहाँ 4 माइनस 0 की घात 2, 6 माइनस 1 की घात 2, ये देखो 4 का वर्ग 16 होगा, 5 का वर्ग 25, तो क्यू आर का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ रूट 41 आ जाएगा। क्यू आर याद कर लिया। अब एक्स का मान देखो माइनस 4 भी हो सकता है, देखो यहाँ जिसका वर्गमूल होता है संख्या प्लस माइनस दोनों में होती है, देखो प्लस माइनस 4 दोनों हो सकता है। तो अब लिखेंगे एक्स बराबर माइनस 4 हो तो, ठीक है। अब क्या लो आप, माइनस 4 ले लो, तो पी आर में एक्स टू का मान माइनस 4 और एक्स वन का मान 5, वाई टू का मान 6 और वाई वन का मान माइनस 3 का वर्ग,
पी आर का मान आ जाएगा, देखो ये माइनस नौ हो जाएंगे 81 और 6 प्लस 3 9 भी 81, तो मान कितने हो गए, पी आर बराबर रूट 162। पी आर को नाम लिख दो 81 इंटू 2, इसका मान होगा 9√2। ये पी आर का मान ज्ञात कर लिया। जब x बराबर प्लस 4 है तो अलग होगा, x बराबर माइनस 4 तो अलग होगा। देख सकते हैं देखो ये पी आर और रूट 81 है, तो 9√2 आ रहा है, अलग आ गया। देखो अब एक दूरी और ज्ञात कर लेते हैं, वो दूरी क्या है, क्यू आर, वो ज्ञात कर लेते हैं। जब x माइनस 4 हो तो माइनस 4, और देखो ये वाई टू का मान माइनस 4, वाई वन का मान एक्स टू का मान है, ये एक्स टू का मान माइनस 4, एक्स वन का मान 0, वाई टू का मान 6 माइनस 1 की घात 2। ये देखो समान आ सकती है, ये हो जाएगा 16, माइनस 4 में से 0 माइनस 4 वर्ग 16, और ये 6 माइनस 1 5 25 हो जाएगा। क्यू आर का मान होगा √41। इस प्रकार ये सवाल नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया है। और 9 के अंदर देखो एक्स का मान माइनस 4 आ रहा था, तो आपको दोनों में अलग अलग याद करना है। देखो उसके बाद में आ गए माइनस 4 और माइनस 5 माइनस 9 और 6 प्लस 3 9। उसके बाद में आगे करेंगे सवाल नंबर 10 करेंगे। देखो सही से 10 नंबर बचा कर लेते हैं, वो ही दस में क्या लिखा है, एक्स वाई में संबंध ज्ञात करो। एक्स वाई में संबंध ज्ञात करना है। संबंध कैसा है कि एक्स वाई 3 6 माइनस 3 4 समदूरस्थ है, यानी यहां पर एक्स वाई है ये समदूरस्थ है। समदूरस्थ किसके समदूरस्थ है, ये समदूरस्थ है 3 6 से। 3 6 यहां ए लिख दो, यहां बी लिख दो, यहां सी लिख दो। समदूरस्थ किसकी से है, 3 6 और माइनस 3 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ यानी समान दूरी है, तो वो लिख दो आगे, ए बी बराबर सी बी लिख दो। ए बी बराबर सी बी, या बी सी बी की बात है, सूत्र लगा दो यहां, एक्स टू माइनस एक्स वन की घात 2 सीबीएम हो जाए, एक्स टू माइनस अब यहां देख सकते हैं, देखो ए बी में एक्स टू का मान एक्स है, एक्स माइनस 3 का वर्ग, और यहां हो जाएगा वाई माइनस 6 का वर्ग। सी बी सी वाला होगा एक्स वन वाई वन, और ये बी वाला होगा एक्स टू वाई टू, या ऐसा होगा देखो, क्योंकि ये x2 है और ये माइनस x1। यहां सूत्र काम आ रहा है सब जगह, a माइनस बी की घात 2, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां पहले क्या होगा, देखो a का वर्ग x का वर्ग माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में वापिस a का वर्ग y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 प्लस बी का वर्ग, यानी 6 का वर्ग हो जाएगा 36। रूट लगा दो, रूट काट भी सकते हो, अभी काट देंगे। यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा इसका वर्ग, माइनस माइनस प्लस। यहाँ देखो ए स्क्वायर सूत्र द्वारा खोलेंगे इसको भी, सूत्र के द्वारा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू ए की जगह क्या y है, y लिख दो, बी जगह देखो माइनस, ये देखो माइनस की जगह माइनस है, बी का मान केवल 4 है, 4 लिख दो, बी का स्क्वायर 4 का वर्ग हो जाएगा। रूट से रूट काट दीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ होगा माइनस का 6x होगा, प्लस के 9 होगा, वाई स्क्वायर होगा, यहाँ माइनस का 12y होगा, प्लस का 36 होगा, बराबर यहाँ सूत्र काम में ले लो, a प्लस बी की घात 2, ठीक है। सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर में देखो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, वाई स्क्वायर होगा, माइनस का 8y होगा, और प्लस के 16 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16। दोनों तरफ देखो एक्स की घात इधर लाओगे तो कट जाएगा, देखो माइनस का बढ़ जाएगा, वाई की घात इधर लाओगे तो कट जाएगा, देखो वाई की घात वो भी कट जाएगा, माइनस का 6x बचा है। इधर भी क्या देखो 6x इधर लाएंगे, माइनस का 6x ही बनेगा, और अगर माइनस का 12y है
इधर लाएंगे तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये 36 9 कितने हो गए, देखो 36 9 प्लस 45 हो चुके हैं, और 16 9 25 हो चुके हैं, तो माइनस के 25 हो जाएंगे, जान लेंगे पूछांगने के समय बराबर 0। यहाँ पर होगा माइनस का 12x, यहाँ माइनस का 4y, और यहाँ होगा प्लस का 20 बराबर 0। अब इसमें से माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, इतने भाग जा रहा है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो प्लस का 3x और प्लस का वाई, और यहाँ आ जाएगा माइनस 5, क्योंकि -3 कॉमन लेते हैं, चेंज हो गया, देखो प्लस का हो जाएगा प्लस का माइनस का, और यहाँ भाग 5 बार जाएगा बराबर 0। 20 में 5, 30 में 4 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा। अब ये 4 भाग में दे दो, 0/4 0 आ जाएगा, आंसर होगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। यही क्या है, संबंध है एक्स और वाई में। इस प्रकार हमारी प्रश्न वाला 7.1 पूरी हो चुकी है। आगे के वीडियो में हम 7.2 पूरी करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।